हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का पाँचवा का आठवां सवाल। इसमें टोटल 10 सवाल दे रखे हैं, तो पिछले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं, वो भी आसान तरीका में, आसान भाषा में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, इधर दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बिल्कुल हम लोग को पता है ये साइड जो है LHS है और ये साइड जो है RHS है, मतलब LHS से हम लोग को RHS प्रूव्ड करना है। तो बिल्कुल इस बात से हम लोग वाकिफ़ हैं और हम इसमें पूर्णपेन डिटेल से पहले भी वीडियो बना चुका हूं और बता चुका हूं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कंडीशन हम लोग को ये करना है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ लेना है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी या प्लस बी स्क्वायर इस तरह, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो चलिए आप लोग समझ ही गए क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइन के जगह पे हम लोग लिखेंगे, ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू ए का मान साइन हम लोग जानते हैं, साइन ए इंटू मतलब गुना और क्या है बी, बी क्या दे रखा है कॉस। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कॉस ए, तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉस यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नीचे में टू ए का मान कॉस ए इंटू सेक ए मतलब टू ए बी। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर, तो सर्वसमिका बन जाता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सर्वसमिका जो बनती है क्या बनता है, आप लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे भी दे रखा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे जो हम लोग का सर्वसमिका बन जाता है और हो जाता है उसके बराबर एक। तो चलिए इस बात को हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला चीज़। अगला चीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर साइन और कॉस ले चुका है, अब यहाँ पर बचा है कॉसेक। तो बिल्कुल हम लोग कॉसेक के लिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग को LHS में जो दे रखा है RHS हम लोग को प्रूव्ड करना है, क्या कॉसेक को रखना है या नहीं रखना है। तो कॉसेक को बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखना है। तो कॉसेक को जब हम लोग नहीं रखेंगे तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग को लाना है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखते हुए यहाँ पर इसको हम घेर देते हैं ताकि बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। अब हम लोग कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर रखेंगे, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग कॉसेक स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ए लगा है थीटा नहीं लगाना है, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात को समझ गए। अब आगे जो दे रखा है उसको देखिए, अब यहाँ पे है प्लस तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे है टू साइन ए, अब यहाँ पे गुना है तो गुना लगाइए। अब यहाँ पे कॉसेक को रखना है तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे कॉसेक को नहीं रखना है, तो कॉसेक को हम लोग को तोड़ना है, काटना है, जो भी करना है। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/ साइन ए होता है, तो यहाँ पे ए है तो ए लगा देंगे। बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोग कॉसेक कॉस स्क्वायर ए तो ले लिख चुके हैं, यहाँ पर एक लिख चुके हैं, अब यहाँ पर आ गया सेक। अब हम लोग सेक को रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेक को नहीं रखना है, तो सेक के बदले में हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर के बदले में क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल हम लोग सेक स्क्वायर के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या रखेंगे, वन प्लस का टेन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को जो है आरएचएस में प्रूव करने के लिए दिया गया है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग को बदल लेना है। तो बिल्कुल ये हो गया ख़त्म। तो हम लोग यहाँ पे सेक भी देख लिए, अब बच गया यहाँ पे क्या, टू गुने, यहाँ पे टू कॉस है तो टू कॉस ए, अब यहाँ पे इंटू है, सेक को रखना है तो यहाँ पे देखेंगे सेक को नहीं रखना है, तो सेक को हम लोग को तोड़ लेना है। तो सेक को जो हम लोग तोड़ेंगे तो सेक का उल्टा हो जाता है वन बटे कॉस। तो बिल्कुल ये जो है इसलिए हम कर लिए, ये कट जाएगा और ये साइन साइन ख़त्म हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर करके हम लोग लिख लेते हैं एक, क्योंकि हम लोग सर्वसमिका से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो चलिए एक लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लोग जैसे का वैसे लिख लेते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा की जगह ए है तो ये लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये साइन ख़त्म, तो बच गया क्या, सिर्फ टू बच गया, टू गुने एक तो टू ही हो जाएगा प्लस, तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे वन प्लस टेन, यहाँ पर देखिए वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा या ए तो ए लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे, यहाँ पे सॉरी प्लस छूट गया था, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये कॉस ख़त्म हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे प्लस का क्या बच जाएगा, टू बच जाएगा, टू गुने एक तो टू ही हो जाएगा। जब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो बिल्कुल आप लोग का जो है सवाल बन गया है। यहाँ पे अब हम लोग को देखना क्या है, यहाँ पे देखिए सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में लाना है हम लोग को। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, सभी नंबर को देख लीजिए, यहाँ पे एक हम थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, आप लोग को इंडिकेट नहीं करना है, देखिए एक एक, और यहाँ पर नंबर वाले को हम लोग सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पर टू और यहाँ पर भी टू। चलिए अब नंबर नंबर वाले को सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक दो, एक एक दो हो जाएगा, और दो से जब दो जोड़ेंगे चार हो जाएगा, चार एक पाँच हो गया, पाँच दो सात हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सात, और प्लस का यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है कॉट स्क्वायर ए, तो लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया हम लोग को टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो बिल्कुल ये बात समझ गए, हम लोग को जो है दे रखा था यही दे रखा था। तो या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि आप लोग का आरएचएस से एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना था, ये हो गया आप लोग का आरएचएस, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एलएचएस बराबर, एलएचएस बराबर आरएचएस, जो हम लोग को प्रूव करने के लिए कहा गया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। इसी तरह का वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहे, मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।